السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم سورة بقرة آگے 10 نمبر آيات في قلوبهم مرزن फ़जादल्लाजा वहु अदाबली मुम बे माँ कानू यबोन उनके दिलों में बीमारी है अल्लाह ने बीमारी बढ़ा दिया और उनके झुटलाने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है यानी मुनाफिकिन का दिल कभी साफ़ नहीं होता जबकि मोमिन का दिल हमेशा साफ होता है आईने की तरह हदीस में मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना बताया गया आईने में अपनी शक्ल देख कर आदमी असलाह करता है उसी तरह मोमिन ईमान और तकवा और अमाल को देख के अपनी खामी को दूर करता है एक मोमिन को देख करके और बीमारी क्या चीज़ है बीमारी दिलों की बीमारी दो तरह की होती है एक जाहरी बीमारी जैसे हार्ट अटैक हार्ट की बीमारी तो बाईपास सर्जरी होती है या फिर जो है जोगोग्राफी होती है ये तो आप जानते हैं मेडिकल दुनिया में होता है और दूसरा कि वो दिल आपका तबी लिहाज से फिट है लेकिन उस दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं कुफ़र की महब्बत है तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं अला वन जसद सुनो जिसम में एक टुकड़ा होता है जब वो टुकड़ा सही होता है तो पूरा जिसम सही होता है और वो टुकड़ा ख़राब हो जाता है तो पूरा जिसम ख़राब हो जाता है और वो टुकड़ा दिल है तो दिल अगर जाहिर में भी तिबी लिहाज से भी ख़राब हो जाए खून न सप्लाई करे या और बीमारी तो अटैक आएगा मर जाएगा और रूहानी लिहाज से अगर इस दिल में अल्लाह के सवा गैरों की मोहब्बत नबी के बारे में सहाबा के बारे में बोगज है तो ये बीमार दिल है और ये दिल किसी काम करें अल्लाह की मोहब्बत से जब कोई दिल ख़ाली हो तो उसमें और मरीज़ में कोई फ़र्क नहीं है तो फ़ी कलूब मरदुन फ़जाद अहमल्ल मज़ा आयत नंबर दस में हम पहुँच गए कि उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनको देखा कि वो बीमारी चाहते हैं बीमारी को बढ़ा दिया तो पहला मसला मुनाफिकीन के दिल मरीज़ होते हैं दूसरा मसला इंसान के दिल पर ही उसके जिस्म का कि सलामती का एतबार है तीसरा मसला हर आदमी को चाहिए कि अपने दिल का हमेशा चेकअप करता रहे चेकअप जिस्मानी सेहत फिटिंग के लिए तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास और डॉक्टर के पास लेकिन आप अपने दिल का चेकअप आप अपने ईमान के दर्जे में किया कीजिए कि जब आयत जिक्र की जाए ईमान वालों का जिक्र हो तो आप देखें कि कहाँ आप खड़े हैं आप किस दर्जे पर खड़े हैं आपका ईमान क्या है मुनाफिकिन की तरह से है या ईमान जो सलफ़ सार वाला है तो चेकअप करते रहना चाहिए और चेकअप के लिए दिल के चेकअप के लिए क्या करना होगा ईमान वालों की कैफियत को जानना पढ़ना उनके हालात को जानना फिर अपने आप को तोलना कि आप कहाँ खड़े हैं ये दिल का चेकअप हुआ रूहानी चेकअप और जिसमानी चेकअप तो डॉक्टर करेगा चौथा मसला कि इंसान जब अपने दिल की असलाह नहीं करता है तो बीमारी बढ़ती जाती है या कोई भी बीमारी हो आप इलाज नहीं करेंगे बीमारी बढ़ती जाएगी तो दिल की दुनिया अगर आपकी उजड़ी है गैरुल्ला की मोहब्बत बसी है कुफ्र से मोहब्बत है तो बीमारी बढ़ती जाएगी फी कलू बरज उन फजादल्ला मज़ा और जब बीमारी बढ़ेगी वो भी दिल की बीमारी तो इतनी ख़तरनाक बीमारी है किसी की औलाद मर जाए किसी का कारोबार तबाह हो जाए जिसम का कोई हिस्सा कट जाए इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी यह है कि आदमी के दिल में अल्लाह की शरीयत के बारे में शुभा पैदा हो जाए या नबी से बग्ज़ पैदा हो जाए क़ुरान के बारे में शुभा पैदा हो जाए इससे ख़तरनाक बीमारी और अजाब और कुछ भी नहीं है जिसम का कट पिट जाना कारोबार का तबाह हो जाना कुछ भी नहीं है इसके आगे इसलिए दिलों की सफाई दिलों का चेकअप हमेशा होते रहना चाहिए और फजा मरजा मज़ा वह अल्लाह जब बीमारी को बढ़ा देता है और बंदा तौबा के ज़रिए बीमारी का इलाज नहीं करता तो फिर बीमारी बढ़ेगी तो फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब है तो अजाब की वजह ये बीमारी क्या थी दीन को झुटलाना शरीयत को झुटलाना हिदायत को झुटलाना यही बीमारी की वजह थी तो जब कोई शरीयत को झुटलाए दीन को झुटलाए अल्लाह के अजाब को झुटलाए गैब की खबरों को झुटलाए और रसूल के बारे में शको शुभ करे तो ये बीमारी है और इसका इलाज तोबा और इस्तार है दिन की तरफ पलट आना है नफाक सबसे ख़तरनाक बीमारी है तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अजाब की वजह भी बयान की कि बीमा कानून झूठ लाना ये ख़तरनाक मरज़ और ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी का बुरा नतीजा बंदे को अजाब की शक्ल में मिलेगा अल्लाह के दिन को झुटलाने अजाब इंतहाई ख़तरनाक अजाब होता है इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या कुमल कज़िब तुम झूठ से बचो इसलिए कि झूठ बुराई और बदकारी की तरफ़ ले जाता है और बदकारी जहन्नम की तरफ ले जाएगी बंदा जब हमेशा झूठ बोलता रहेगा तो अल्लाह के आगे झूठे लोगों में वो लिख दिया जाता है इसीलिए आप देखिए कि समाज में कोई झूठा आदमी तो उसको फेंकू है डेंगू है छोड़ू है है ना छोड़ू आ गया डेंगू आ गया फेकू आ गया क्यों झूठे आदमी पर एतबार लोगों का खत्म हो जाता है तो अब सोचिए कि जब झूठे आदमी से समाज का एतबार खत्म हो जाता है तो कोई दीन में झूठ बोलेगा और या दीन को झुट लाएगा रसूलों को झुट लाएगा तो उस पर अल्लाह कैसे अतबार करेगा कैसे उसे अल्लाह ताला माफ़ करेगा इसलिए हमेशा बंदा अपने ईमान का जायज़ा ले अपने अमाल की दुरुस्तगी की कोशिश करे और दिल का हार्ट का चेकअप बराबर करते रहे और वो चेकअप वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नहीं वो तो हार्ट की दवा का है आप अपने दिल की दुनिया का जायज़ा लीजिए कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है सुन्नत की मोहब्बत कितनी है सहाबा की मोहब्बत कितनी है और इन नमाज़ों से कितना आपको लगाव है ये आपका चेकअप हो गया और इस चेकअप के बाद फिर आप इलाज कीजिए जो कमी है उसे दूर कीजिए रोज़ाना कितने सफ़े आप कुरान की तिलावत करते हैं मस्जिद में अज़ान के कितनी देर के बाद पहुँचते हैं रात में कभी क़्याम करते हैं तहज़्ज़ुद आपने शुरू की कि नहीं की आपके रब के साथ डायरेक्ट कितना रबता है यानी उस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो तन्हाई में आपने रब को कितना आप याद करते हैं इन चीज़ों को देखिए सलफ़ साल जब किसी से मिलते थे तो दो सवाल करते थे पहला सवाल कि क़ुरान तुमने हिफ्ज किया और दूसरा सवाल कि तुम क्याम करते हो फ़र्ज़ नमाज के बारे में नहीं पूछते थे कि नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं तहजद पढ़ते हो कि नहीं कुरान तुम हिफ्ज किए हो कि नहीं क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद हिफ़ के बाद जब आदमी तिलावत करेगा पढ़ेगा समझेगा तो उसके दिल की दुनिया बदलती जाएगी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दिलों की सलामती फ़रमाए दिलों का तकवा अता फ़रमाए और नफाक और मुनाफिकीन के बुरे अंजाम से हमें बाबर रहने और उनके अंजाम से सबक लेने की तोफ़ी अता फ़रमाए और इनाम याफ़्त लोगों में से हमें जो है इनाम याफ़्त लोगों में से बनाए आमीन व सल् नबी महम्मद वही वहबैन नाजर ने किराम सूर्य बकरा की आयत नंबर दस तक हम तफसीर मुख्तसर मुकम्मल कर चुके अब इन शाह अगले में आयत नंबर ग्यारह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए इंतज़ार कीजिए अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान के कारी कुरान के हाफ़ और कुरान के कदरदानों में से बनाए और इस कुरान को हमारे लिए आख़रत में सिफारशी बनाए आमीन वालेकम वक्